मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से नई शिक्षा नीति लागू की है तब से मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2021-2022 के सकल नामांकन अनुपात अखिल भारतीय अनुपात 28.4 की तुलना में 28.9 दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय औसत से आगे निकलना प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए सभी को बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवास स्थित कार्यालय समत्व भवन में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की बैठक कर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में जहां उद्योग नहीं है या कम है वहां इकाइयां लगाने के लिए प्राथमिकता से कार्य हों। इसके साथ ही उन्होंने आगामी मार्च माह में उज्जैन में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट 2024 की तैयारियों के संबंध में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उपलब्ध जल क्षमता के उपयोग एवं विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनसंपर्क आयुक्त श्री संदीप यादव सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवास स्थित कार्यालय समत्व भवन में खनिज साधन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर वरिष्ठ अधिकारियों से खनिज राजस्व प्राप्तियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।